सिवनी से चलकर छिंदवाड़ा होते हुए दिल्ली रोहिल्ला सराय को जाने वाली पातालकोट एक्सप्रेस में आज सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब जुन्नारदेव रेलवे स्टेशन पहुंचने पर उसके एसी के बीटू कोच के चक्के से धुआं निकलने लगा। मामले की सूचना मिलने पर जुन्नारदेव को आरपीएफ पुलिस के जवान एवं रेलवे सवार गार्ड द्वारा पहुंचकर पाउडर के माध्यम से उसे बुझाने का प्रयास किया गया। इस दौरान लगभग 10 से 15 मिनट तक पातालकोट एक्सप्रेस जुन्नारदेव रेलवे स्टेशन पर खड़ी रही। हालांकि उपरोक्त घटनाक्रम में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि एवं अन्य कोई भी जानकारी नहीं है। सभी यात्रियों सकुशल हैं और एवं पातालकोट एक्सप्रेस को लगभग 10-15 मिनट के बाद में आगे की ओर रवाना कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। सर, पातालकोट एक्सप्रेस है जो जुन्नारदेव पहुंचने पर उसमें कुछ आग जैसी कुछ ऐसा मामला सामने आया है, क्या था घटनाक्रम सर? हाँ, समय करीबन 10:34 बजे पातालकोट एक्सप्रेस जो है अपना फिरोजपुर जाने वाली थी तो उसके B2 कोच में कुछ धुआं जैसा दिख रहा था। उसमें चक्का जाम होता है तो चक्का जाम ब्रेक जाम होने की वजह से धुआं निकल रहा था तो पब्लिक उसमें इकट्ठा हो गई तो वहीं अपना रेलवे स्टाफ द्वारा उसको फायर एक्सटिंग्विशर से चलाया गया तो और उसमें धुआं जैसा लगने लगा तो उसको लगा कि बहुत बड़ी आग लगी, परंतु ऐसा कुछ नहीं था। और इसके बाद उसको ऑन ड्यूटी गार्ड और अपना रेलवे स्टाफ द्वारा आइसोलेट करके रवाना किया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर, इस दौरान कब तक खड़ी रही ट्रेन यहाँ पर? वो करीबन 10-12 मिनट खड़ी रही, बाकी सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है, कोई क्षति नहीं है, कुछ नहीं, नुकसान नहीं रेलवे। ठीक, थैंक यू सर।